हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ में नोटिफिकेशन ऑल का बटन दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं ये थ्री टर्मिनल रॉकर स्विच के बारे में। इसमें थ्री टर्मिनल, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन टर्मिनल है, 1, 2, 3, और इसमें साथ में इंडिकेटर होता है। जब भी ये स्विच ऑन होता है तो इंडिकेटर भी ग्लो करता है, लोड पे भी सप्लाई चली जाती है। तो इस रॉकर स्विच के कनेक्शन कैसे किए जाएंगे वो मैं बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए ऑफ पोजीशन है, ऊपर ऑफ पोजीशन है, नीचे ऑन पोजीशन है। तो जो इनपुट सप्लाई का आप फेज लगाएंगे वो यहां पर लगाएंगे। इनपुट सप्लाई जो 220 वोल्ट इनपुट सप्लाई होगी, ये 220 वोल्ट का है। इसमें डीसी वाले भी आते हैं, एसी वाले भी आते हैं। तो डीसी वाले में दूसरी तरह से कनेक्शन होंगे, ये एसी वाला रॉकर स्विच है 220 वोल्ट का। तो इनपुट सप्लाई का फेज यहां कनेक्ट होगा, इनपुट सप्लाई का न्यूट्रल यहां कनेक्ट होगा। जो लोड कनेक्ट होगा, लोड फैन या बल्ब या कुछ भी कनेक्ट होगा, लोड यहां पे कनेक्ट होगा फेज का और न्यूट्रल यहां पे कनेक्ट होगा। यहां पर इनपुट सप्लाई का फेज, इनपुट सप्लाई का न्यूट्रल, लोड का फेज यहां पर, लोड का न्यूट्रल यहां पर। तो इस तरह से कनेक्शन होंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये मेरा सप्लाई वायर है, आप देख सकते हैं अभी ये कनेक्टेड नहीं है कहीं भी। अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। ये जिस पर रेड टेप लगा है ये फेस का है, ये रेड टेप फेस का है, ये वाला न्यूट्रल का है, ये इनपुट सप्लाई है 220 वोल्ट। तो इसको लगा देते हैं फ्रेंड्स। ये यहां पर देखिए कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल यहां पर कनेक्ट करेंगे। तो न्यूट्रल इसका वाला, चूंकि दोनों कॉमन है, न्यूट्रल इनपुट सप्लाई का और हमारे लोड का न्यूट्रल कॉमन है, तो इसमें हम दोनों को आप एक ही पिन पे लगा देंगे। मैंने अलग अलग लगा दिया है, तो मैं इसको एक वायर से जोड़ देता हूं और इस पे टेप लगा दीजिएगा फ्रेंड्स। जहां पर भी ज्वाइंट्स होंगे वहां पर टेप लगा देंगे। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूं फ्रेंड्स। आपको दोनों वायर एक ही थिम्बल में लगाना है। ये मैंने अलग अलग थिम्बल लिए हुए हैं, आपको एक ही थिम्बल पे दोनों वायर लगाने हैं, न्यूट्रल के, इनपुट सप्लाई का न्यूट्रल और लोड का न्यूट्रल, दोनों को हमने कॉमन कर दिया है। इसको सबसे नीचे टर्मिनल पे लगाएंगे, सबसे नीचे वाले पे, और यहाँ पे सप्लाई आएगी फ्रेंड्स। तो आप जो भी इलेक्ट्रिकल के जो प्रिकॉशन होते हैं वो सब यूज करेंगे। ये कनेक्ट कर दिया, अब यहां लोड का फेस कनेक्ट होगा। अब लोड का, ये है हमारा बल्ब होल्डर, ये लगा हुआ है लोड पे। देखिए न्यूट्रल, ये बल्ब होल्डर का न्यूट्रल मैंने नीचे लगाया है और बल्ब होल्डर का फेस यहां पे लगा देते हैं। इसको फ्रेंड सब पैक कर देना है, ये सब पैक कर देना है। इस पे सब पे सप्लाई आएगी, मुझे मालूम है, इसलिए मैं प्रिकॉशन के साथ आपको करके दिखा देता हूं। ये कनेक्शन हो गए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था, इनपुट सप्लाई का फेज है, इनपुट सप्लाई का न्यूट्रल है, लोड का फेज है, लोड का न्यूट्रल है। अब मैं इसको सप्लाई इस बोर्ड में कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूं। से मैंने सप्लाई, इनपुट सप्लाई भी लगा दिया, इसको ऑन कर दिया। अब देखिए इसमें सब सप्लाई आ रही है फ्रेंड्स। तो आपको जो भी इलेक्ट्रिकल के जो प्रिकॉशन होते हैं उनको सब करना है, सप्लाई ये सब पैक कर देना है, यहाँ पे सब टेप लगा देना, उसके बाद ही कनेक्ट करना है। देखिए मैं इसको सिर्फ आपको, देखिए ऑन कर दिया, लोड ऑन हो गया, सप्लाई चली गई, स्विच ऑन कर दिया, इंडिकेटर ऑन हो गया, लोड ऑन हो गया। ये देखिए स्विच ऑफ कर दिया, इंडिकेटर ऑफ हो गया, लोड ऑफ हो गया। देखिए ऑन कर दिया, ये ऑफ कर दिया। इस तरह से फ्रेंड्स आप कनेक्शन कर सकते हैं।